दोस्तों आज हम कवर करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। विश्व में जितने भी दोस्तों एनिमल आज तक क्लोन किए गए हैं या प्रतिरूपित किए गए हैं उनको देखेंगे। और दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया दोस्तों, तो आप कर नहीं पाओगे इस वीडियो के बगैर। तो दोस्तों वीडियो में पहला क्वेश्चन है, विश्व का पहला स्तनयापी जिसको प्रतिरूपित किया गया। ऑप्शन है डॉली द शिप, कॉपीकैट, नोटो और कागा। डी ऑप्शन है टेटा। तो दोस्तों अपना आंसर दे सकते हो अगर आपको पता है, नहीं फिर मैं आंसर आपको बताऊंगा। ऑप्शन ए डॉली द शिप। देखिए दोस्तों डॉली इसका नाम होगा और दोस्तों ये एक शिप थी, ठीक है। तो डॉली द शिप दोस्तों विश्व का पहला स्तनयापी था जिसको प्रतिरूपित किया गया यानी कि क्लोन किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट विश्व का पहला प्रतिरूपित चूहा। तो दोस्तों ऑप्शन है कोमुलिना, मीरा, स्नेपी, ओम बरेटा। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन ए कुमुलिना। देखिए दोस्तों सबसे जो पहला चूहा प्रतिरूपित किया गया उसका नाम रखा गया कुमुलिना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं और याद करते हुए चले दोस्तों मेरे साथ इन क्वेश्चनों को। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे और आपको बेनिफिशियल लगे तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आप लाइक नहीं करते हो दोस्तों, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हम इसी तरह का वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। नेक्स्ट है विश्व की पहली प्रतिरूपित गाय। तो दोस्तों ऑप्शन है गरिमा वन, महिमा, नोटो और कागा। और डी ऑप्शन है गरिमा टू। तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन, 3 सेकंड है। ऑप्शन सी नोटो और कागा। देखिए दोस्तों विश्व की पहली प्रतिरूपित गाय कौन सी थी, तो दोस्तों नोटो और कागा थी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट विश्व की पहली प्रतिरूपित बकरी कौन सी थी। तो दोस्तों ये है ऑप्शन कॉपीकैट, मीरा, एंजाज, नूरी। तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी मीरा। देखिए दोस्तों विश्व की पहली प्रतिरूपित बकरी कौन सी है, मीरा है। दोस्तों 1998 में इसमें यूएस के अंदर इसको प्रतिरूपित किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट विश्व की पहली प्रतिरूपित जंगली भेड़ कौन सी है। ऑप्शन ओमबरेटा, स्वर्ण, पश्मीना बकरी, सच गौरव। तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन ए ओम बरेटा। देखिए दोस्तों विश्व की पहली प्रतिरूपित जंगली भेड़ कौन सी थी, तो ओम बरेटा थी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट विश्व का पहला प्रतिरूपित बंदर कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन है ट्रेटा, स्नेपी द मंकी, प्रोमेटिया, स्वर्ण। तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन ए ट्रेटा। देखिए दोस्तों विश्व का सबसे पहला प्रतिरूपित यानी कि जिसका क्लोन बनाया गया वो बंदर कौन सा है, तो दोस्तों वो है ट्रेटा, ठीक है, ये नाम है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, सारे नाम है ये यहां पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट विश्व का सबसे पहला प्रतिरूपित पालतू जानवर कौन सा है। ऑप्शन डेजी, पेम्पा, स्क्रैम्बर, कॉपीकैट। तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी कॉपीकैट। देखिए दोस्तों विश्व का सबसे पहला प्रतिरूपित पालतू जानवर कौन सा है, तो दोस्तों कॉपीकैट है जिसका प्रतिरूपण किया गया, ठीक है, जिसका क्लोन किया गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों इसको 2001 में क्लोन किया गया, ये ध्यान रखेंगे, कई बार ईयर भी पूछ लेता है। नेक्स्ट विश्व का सबसे पहला प्रतिरूपित कुत्ता कौन सा है। ऑप्शन क्रियोलो, ओयाली, स्नैपी, पेम्पा। तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी स्नैपी। देखिए दोस्तों जो पहला प्रतिरूपित कुत्ता था वो था स्नैपी, ठीक है, 2005 में दोस्तों इसको साउथ कोरिया के अंदर प्रतिरूपित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट विश्व का सबसे पहला प्रतिरूपित घोड़ा कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके प्रोमिटिया, जारिफ, डेजी, संपूरा। तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन, 3 सेकंड आपके पास। ऑप्शन ए प्रोमिटिया। देखिए दोस्तों सबसे पहला जो प्रतिरूपित घोड़ा है विश्व का दोस्तों उसका नाम रखा गया प्रोमिटिया, ठीक है, उसको प्रोमिटिया बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, आपको याद हो रहे होंगे और दोस्तों नहीं तो आप पेन कॉपी लेके उसको नोट डाउन कर लो दोस्तों, ये आपके काम बहुत आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट विश्व का सबसे पहला प्रतिरूपित ऊंट कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन है इंजाज, पश्मीना, सच गौरव और मिली। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन दीजिए, 3 सेकंड आपके पास। ऑप्शन ए इंजाज। देखिए दोस्तों विश्व का सबसे पहला प्रतिरूपित ऊंट कौन सा है, इंजाज है, और दोस्तों इसको दुबई के अंदर क्लोन किया गया था, प्रतिरूपित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों हम बात भारत की करेंगे कि भारत में कौन सा एनिमल पहले क्लोन किया गया और कब किया गया, ठीक है, उनके नाम जानेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे पहली प्रतिरूपित एक पश्मीना बकरी कौन सी है। तो दोस्तों ऑप्शन है गरिमा, गरिमा टू, नूरी, स्वर्ण। तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन, 3 सेकंड है।
ऑप्शन सी नूरी। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहली प्रतिरूपित पश्मीना बकरी थी भारत में जो प्रतिरूपित की गई, तो दोस्तों उसका नाम था नूरी, ठीक है। शेरे कश्मीर में दोस्तों इसको प्रतिरूपित किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, भारत की सबसे पहली प्रतिरूपित भैंस कौन सी है? ऑप्शन है सच गौरव, गरिमा, महिमा, संपूरा। तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन ए सच गौरव। देखिए दोस्तों, जो पहली प्रतिरूपित भैंस है भारत में वो कौन सी है? सच गौरव। और दोस्तों इसको हरियाणा हिसार के अंदर प्रतिरूपित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, भारत का सबसे पहला प्रतिरूपित भैंस का बछड़ा, और दोस्तों ये नर की बात हो रही है यहां पर, कौन सा है? ऑप्शन महिमा, स्वर्ण, गरिमा, सच गौरव। तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी स्वर्ण। देखिए दोस्तों, भारत का सबसे पहला प्रतिरूपित भैंस का बछड़ा नर की बात हो रही है, तो दोस्तों इसका नाम है स्वर्ण, ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, विश्व की सबसे पहली प्रतिरूपित मुर्रा नस्ल की भैंस कौन सी है? तो दोस्तों संपूरा, नूरी, स्क्रैम्बर, राल्फ। तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन ए संपूरा। देखिए दोस्तों, जो विश्व की पहली सबसे पहली प्रतिरूपित मुर्रा नस्ल की भैंस दोस्तों वो है संपूरा। नाम ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये विश्व की भी है और भारत की भी है, लेकिन दोस्तों ये 5 दिन के अंदर ही मर गई थी। इसके अंदर लंग्स इंफेक्शन हो गया था दोस्तों, ठीक है, फेफड़े में इंफेक्शन हो गया था, इस कारण ये 5 दिन में ही मर गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, भारत की सबसे पहला प्रतिरूपित भैंस का बछड़ा कौन सा था? ऑप्शन है गरिमा 2, गरिमा 1, महिमा, स्वाति। तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी गरिमा 1। देखिए दोस्तों, भारत का सबसे पहला प्रतिरूपित भैंस का बछड़ा कौन सा था? तो गरिमा 1 थे, ठीक है। और दोस्तों ये 2009 में क्लोन किया गया, लेकिन ये 2 साल बाद यानी कि 2011 में मर गया। इसको दोस्तों हार्ट फेलियर हो गया था, ठीक है, और 2010-11 में ये मरा, 10 में दोस्तों गरिमा 2 भी क्लोन कर लिया गया था, ठीक है। और गरिमा 2 से दोस्तों बाद में एक बच्चा पैदा हुआ और उसका नाम रखा गया महिमा, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट्स मैंने बता दिए साथ साथ चलते आपके, कि कौन सा कहां क्लोन किया गया और कौन सा सबसे पहले किया गया। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो था, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, तभी आपको इस तरह का बढ़िया वीडियो मिल पाएगा, ठीक है। तो मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।